नमस्कार, मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। एक अनोखा दिलचस्प और लाइव गेम शो खास किशोर और किशोरियों के लिए। तो हमारी पहली खिलाड़ी है विनीता। और अरविंद, तो स्वागत करते हैं हमारे उस दोस्त का जो अब हमारे सच के डब्बे में कदम रखेंगे और बेझिझक होकर अपनी समस्या रखेंगे। मेरा नाम कमला है और मैं 16 साल की हूँ, खिलाड़ी हूँ, हर 1000 मीटर रेस में फर्स्ट आती हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ दिन से बहुत थकान हो रही है। मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे बहुत डांटा कि अगर मैं इस तरह दौड़ूंगी तो मेरी जगह किसी और को चुन लेंगे। मेरे पढ़ाई पे भी काफी फर्क आ गया, ना दिमाग खेल में लग रहा था और ना ही पढ़ाई में। फिर मैं आशा दीदी से मिली, उन्होंने मेरा खून जांच कराया तो पता चला कि मुझे अनीमिया हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। कमला, ये 16 साल की है, इन्हें एनीमिया है, यानी खून में आयरन की मात्रा कम है, और इसी वजह से वो खेल में भी पीछे रह रही है और पढ़ाई में भी। तो कमला के इस मुद्दे पर होगा किशोर का शोर। अब हम कमला से संबंधित 3 सवाल पूछेंगे, जो बजर पहला दबाएगा वो जवाब देगा सही या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न हमारी ANM दीदी पूछेंगी। तो सवाल ये है कि घर में माना जाता है कि लड़कों को ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और लड़कियों को कम, इसलिए लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा अच्छा और ज्यादा पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? सही, क्योंकि लड़कों का शरीर भारी भरकम होता है, हमें ज्यादा पोषण तो लगेगा ही, लड़कियों का क्या, उन्हें तो बस घर का काम करना होता है। बिल्कुल गलत जवाब है, लड़कियों के शरीर को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि लड़कों के शरीर को, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। असंतुलित आहार लेने से अनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। कई बार घरों में लड़कियों के पोषण पर, उनके आहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें अनीमिया हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को भी खाने में हरी सब्जियां, दाल, फल इत्यादि दिया जाए, जिससे कि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। खून की कमी होने से लड़कियां अस्वस्थ रहती हैं और आगे जाकर उन्हें बच्चा जनने में खतरा पैदा हो सकता है, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अरविंद ने दिया है गलत जवाब और उसका स्कोर रहता है 0। और हमारा दूसरा सवाल पूछेंगी हमारी ANM दीदी। सवाल ये है, क्या IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों से अनीमिया को भगाया जा सकता है? बताइए सही है या गलत। सही, मेरी दीदी को ANM दीदी ने ही IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी थी। 100% सही। IFA की गोलियां जादू है, लेकिन इसे ANM दीदी की सलाह लेकर लेनी चाहिए खाने के आधा घंटा पहले। वैसे कुछ और घरेलू तरकीबें हैं आयरन बढ़ाने के लिए, जैसे कि घर में लोहे के बर्तन में खाना पकाना, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना और ऐसी फल सब्जियां खाना जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा। विनीता को मिलते हैं 1 अंक और अरविंद अभी तक 0 पे है। तो अब तीसरा प्रश्न पूछेंगी हमारी डॉक्टर स्नेहा दीदी। अनीमिया का वास्ता हमारे शरीर की साफ सफाई से है या नहीं? नहीं, क्योंकि अनीमिया
खून में आयरन की कमी की वजह से होता है। इसे साफ सफाई का क्या लेना देना? बिल्कुल गलत जवाब। साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अनीमिया और उसके जैसी कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कि रोज नहाना चाहिए, पैरों में हमेशा जूते या चप्पल पहनने चाहिए जिससे कि कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। समय समय पर डॉक्टर की सलाह से डीवर्मिंग की दवाइयाँ लेनी चाहिए, यानी कि कीड़ानाशक दवाएँ। अपने घर के आसपास मच्छरों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए जिससे कि मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। और खाने को हमेशा ढककर धीमी आंच पर पकाना चाहिए जिससे कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो आज हमारे गेम शो की विजेता है विनीता। सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा, तो मन के सारे विकारों को दूर कीजिए। हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा।